चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से चलते सोमवार 24 जून की सुबह करीब डेढ़ घंटे तक आवाजाही ठप रही। मलबे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंपावत से 51 किलोमीटर दूर सुकिढांग के समीप मलबा आ गया। सोमवार सुबह 7 बजे आए मलबे से डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सड़क पर आवाजाही ठप रही। टनकपुर से चंपावत और पहाड़ी क्षेत्र तथा पहाड़ से मैदान को जाने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मशीनों के जरिए मलबा हटाकर सुबह 9 बजे NH को आवाजाही के लिए सुचारू किया जा सका। वहीं बीते 24 घंटों में लोहाघाट में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोमवार सुबह से जिलों में अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।